दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रूफ के साथ में देखेंगे कि कैसे नॉर्मलाइजेशन हमारा सिलेक्शन डिसाइड करता है। साथियों, नॉर्मलाइजेशन एक कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला है जिसके थ्रू अलग अलग शिफ्ट में होने वाले पेपर के रिजल्ट को एक पैमाने पर रखा जाता है। हम यहाँ इस वीडियो में देखेंगे दो ऐसे कैंडिडेट के रिजल्ट जिनका की नॉर्मलाइजेशन की वजह से एक का फाइनली सिलेक्शन होता है जबकि दूसरा डिस्क्वालीफाई हो जाता है। और आज मैं भारतीय रेलवे में अपनी सेवा दे रहा हूँ क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की वजह से ही मेरा फाइनली सिलेक्शन हो पाया। हमारे ऐसे साथी जो की दिन रात मेहनत के रेलवे में नौकरी पाना चाहते हैं लेकिन सिर्फ नॉर्मलाइजेशन को ना समझ पाने की वजह से उनका फाइनल सिलेक्शन रुक जाता है। मैं अपने उन साथियों के लिए ही ये वीडियो बना रहा हूं जिनको कि अपने फाइनल सिलेक्शन के लिए नॉर्मलाइजेशन को समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, हम एक कैंडिडेट का रिजल्ट ले रहे हैं जो कि ALP CBT 1 2018 में जो हुआ था उसका ये रिजल्ट आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा। दोस्तों, CBT 1 जैसा कि आप सभी को पता है कि कुल 75 अंकों का होना है, जहां पर आप देख सकते हैं चौथे कॉलम में जहां रॉ मार्क्स आउट ऑफ 75 में इनके स्कोर है 34.33 जबकि प्रो रेटेड मार्क्स आउट ऑफ 100 यानी कि 100 में से इनके मार्क्स बन रहे हैं 46.39 जबकि इनके नॉर्मलाइज मार्क्स बन रहे हैं 51.48। जबकि इनका अगर हम रिजल्ट देखें सेकंड स्टेज के लिए तो ये शॉर्ट लिस्टेड है, यहाँ पर यस लिखा हुआ, इसका मतलब ये फाइनली CBT 1 क्लियर कर चुके हैं। दोस्तों, इसके बाद हम दूसरे कैंडिडेट जिनका की नाम यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रहा है, गुंडला लाल कृष्णा, जहाँ पर इनका आप रिजल्ट देख सकते हैं जो CBT 1 का इनका रिजल्ट कुछ इस प्रकार से है। साथियों, इनके रॉ मार्क्स आउट ऑफ 75 हो रहे हैं 30 जबकि प्रो रेटेड मार्क्स जो कि आउट 100 है वो हो रहे हैं 40। दोस्तों, अब बारी आती है इनके नॉर्मलाइज मार्क्स की जो कि बन रहे हैं 43.44 और फाइनली इनका जो हम रिजल्ट देखते हैं जो कि शॉर्ट लिस्टेड फॉर सेकंड स्टेज एग्जामिनेशन के लिए इनके में स्टेटस दिखा रहा है नो, यानी कि इन्होंने CBT 1 क्लियर नहीं किया। दोस्तों, अब मैं दोनों ही कैंडिडेट के रिजल्ट को आमने सामने लगाता हूँ जहाँ पर हम प्रॉपर स्टडी करेंगे कि आखिर नॉर्मलाइजेशन ने कैसे एक का सिलेक्शन करा दिया जबकि दूसरा डिस्क्वालीफाई हो गया। दोस्तों, सबसे पहले हम अपने कैंडिडेट ए की बात करते हैं जिनका की स्कोर रॉ मार्क्स आउट ऑफ 34.33 जबकि हमारे दूसरे कैंडिडेट रामा कृष्णा का आउट ऑफ 75 रॉ मार्क्स बन रहे हैं 30। दोस्तों, मैथमेटिकली अगर हम देखें दोनों ही कैंडिडेट के रॉ मार्क्स आउट ऑफ 75 में तो करीब 4.33 यानी कि लगभग 4.5 नंबर का डिफरेंस है कैंडिडेट ए और राम कृष्णा में। जबकि अब हम बात कर लेते हैं कैंडिडेट ए के नॉर्मलाइज मार्क्स की जो की बन रहे हैं 51.48 जबकि राम कृष्णा का बन रहा है 43.44। दोस्तों, अगर हम इनके नॉर्मलाइज मार्क्स का डिफरेंस देखें दोनों ही कैंडिडेट में, कैंडिडेट ए और रामकृष्णा में, तो यहाँ पर करीब करीब 8 अंकों का डिफरेंस हो रहा है, यानी कि इनके जो स्कोर थे एक्चुअल स्कोर थे आउट ऑफ 75 उसमें डिफरेंस था 4.5 का जबकि फाइनल जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है उसमें डिफरेंस हो रहा है करीब करीब 8 नंबर का। अब आप में से हमारे ऐसे साथी बताएं कि क्या इनके सिलेक्शन में ऐसा फैक्टर रहा है कि एक का सिलेक्शन हो गया जबकि दूसरे का नहीं हुआ। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे हिसाब से अगर एक कैंडिडेट का सिलेक्शन हो रहा है जबकि दूसरा डिस्क्वालीफाई हो जा रहा है तो उन दोनों के सिलेक्शन के बीच में एक चीज खड़ी है, वो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। और हमारे ऐसे साथी जिनका की सपना ही है भारतीय रेलवे में नौकरी करने का और वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं अपने नौकरी को पाने के लिए, उनके लिए इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि कैसे आपके फाइनल सिलेक्शन में नॉर्मलाइजेशन रोल प्ले करता है। साथियों, मैंने अपने पिछले वीडियो में अपने रिजल्ट का एक एग्जाम्पल दिया था कि जब मेरा आउट ऑफ 75 रॉ मार्क्स करीब करीब 30-34 के बीच में था उसके बावजूद मेरा जो ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन मार्क्स था वो ऑलमोस्ट 45 प्लस था, आई थिंक 47-46 के जितना था। दोस्तों, आखिरकार कैसे मेरे नॉर्मलाइज मार्क्स इतने ज्यादा बूस्ट कर गए जबकि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि दोनों कैंडिडेट में नॉर्मलाइजेशन मार्क्स का डिफरेंस करीब करीब 8 अंकों का है। साथियों, अब मैं बताता हूँ कि किस प्रकार से आप पेपर में नॉर्मलाइजेशन मार्क्स अधिक से अधिक गेन कर सकते हैं, उसके लिए आपको किन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। हमारे ऐसे साथी जो कि ALP टेक्नीशियन RPFSI या फिर JEE के एग्जामिनेशन अभी देने जा रहे हैं उनके लिए मैं सबसे पहली चीज आगाह कर दूं कि आप एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन जानबूझ के तुक्का मत लगाइएगा। साथियों, तुक्का लगाने से मेरा मतलब यह है कि आप एग्जामिनेशन में A फॉर अंबे मैया, B फॉर बजरंगबली, C फॉर चंडी माई, D से दुर्गा माई, ये नहीं करना है आपको। वहाँ सबसे पहले आप जिन क्वेश्चन के आंसर 100% जानते हैं कि डैम श्योर यही होगा उसी को सबसे पहले आप टिक करेंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन सीधा सीधा आपके एक्यूरेसी से रिलेटेड है। आप जितना ज्यादा क्वेश्चन आप सही करेंगे या दूसरे शब्दों में जितने कम से कम क्वेश्चन गलत करेंगे उतना ही ज्यादा आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बूस्ट करेगा। इसलिए आप सभी लोग एग्जामिनेशन हॉल में ये चीज ध्यान रखिएगा कि कभी भी गेस मार्किंग नहीं करना है, जो चीज आपको पता है पहले उसको ही अटेम्प्ट करना है। अदरवाइज अगर आपने गेस मार्किंग किया और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो डेफिनेटली आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स नीचे चला जाएगा, फिर आप और आपके सपने के बीच में नॉर्मलाइजेशन एक बड़ी दीवार की तरह खड़ा हो जाएगा जहां पर आपका फाइनली सिलेक्शन रुक जाएगा। साथियों, मैं आगे के वीडियोस में आपको एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आप एग्जामिनेशन हॉल में किस प्रकार से अपने आप को कंट्रोल करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। होता यह है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं और क्वेश्चन सेट आपके सामने खुलता है, आप क्वेश्चन देखते ही घबरा जाते हैं या कई बार होता है कि जो
हम पहला क्वेश्चन देखते हैं वही हमें नहीं आ रहा होता है। उसके बाद हमारे कान गर्म हो जाते हैं, ऐसा लगता है कानों से गर्म धुआं निकल रहा है, दिमाग काम करना बंद कर देता है और हम परेशान हो जाते हैं, साथ में हम पसीने से तरबतर हो जाते हैं। और आप में से जो लोग CBT 1 CBT 2 क्वालिफाई करके बैटरी टेस्ट यानी कि साइको के एग्जामिनेशन में बैठेंगे उनको तो ये प्रॉब्लम फ्रीक्वेंटली आने ही वाला है। इसलिए मेरे वो साथी जो कि मुझसे डायरेक्टली जुड़े हैं, मैं एग्जाम टू एग्जाम उनको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से उनको समझाता रहूंगा, साथ में गाइड भी करता रहूंगा। दोस्तों आई होप कि नॉर्मलाइजेशन का जो बेसिक फंडा है आपको क्लियर हो गया होगा कि नॉर्मलाइजेशन आखिरकार आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। दोस्तों यहाँ पर मैं अपने एक दोस्त का रिजल्ट आप लोग को बताता हूँ। वो भी मेरे साथ जब CBT 1 का एग्जामिनेशन देने गया था तो उसके जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स थे और कट ऑफ का जो मार्क्स था वो उसके बीच में 0.001 का अंतर था। मतलब आप सोचिए 0.001 यानी कि 1000 में से एक यानी कि 1/1000 करेंगे तो 0.001 मिलेगा, इतने के मार्जिन से उसका फाइनली सिलेक्शन हुआ था। साथियों आप कल्पना करिए कि 0.001 उसके जिंदगी में क्या रोल प्ले करता है। यहाँ पर मैं बात नॉर्मलाइजेशन की नहीं कर रहा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन आपके सिलेक्शन में क्या रोल प्ले करता है। दोस्तों मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन आपकी जिंदगी में क्या रोल प्ले करता है। दोस्तों नॉर्मलाइजेशन की वजह से आपकी जिंदगी बन जाएगी, नॉर्मलाइजेशन की वजह से आपकी जिंदगी बिगड़ भी सकती है। इसलिए मैं आप लोग को बोलूंगा कि कभी भी आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में गेस मार्किंग ना करें, क्योंकि आप लोग नॉर्मलाइजेशन को बहुत हल्के में लेते हैं। जबकि मैंने इस वीडियो में नॉर्मलाइजेशन का रोल आपको बता दिया है कि किस प्रकार से एक की जिंदगी बना देता है और दूसरे की जिंदगी बेकार कर देता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि नॉर्मलाइजेशन का बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन आपके फाइनल सिलेक्शन को अफेक्ट करेगा। ऐसे ही मैं आगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज बनाऊंगा रिगार्डिंग हर एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो ALP के लिए हो, चाहे टेक्नीशियन, JEE, RPF, SI सबके लिए कंसिडर करके मैं वीडियो बनाता रहूंगा। और सबसे जरूरी चीज दोस्तों आप लोग कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए और दिन रात एक करके पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि आपके पास समय ज्यादा नहीं है। दोस्तों इस वीडियो को हम इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम अगले वीडियो में जहां हम बातें करेंगे कट ऑफ मार्क्स का, आप एग्जामिनेशन हॉल में किस रणनीति के तहत क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, इन सभी के ऊपर बात करेंगे अगले वीडियो में। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताएं। साथियों सबसे जरूरी चीज, अगर कोई मेरे से पर्सनली गाइड लेना चाहता है जहां पर पर्सनली मैं उनको सपोर्ट करूंगा, उसके लिए आपको मेरा मेंबरशिप लेना पड़ेगा। जहां आपको मेंबरशिप लेने के लिए हमारे चैनल के ऊपर ज्वाइन बटन दिखेगा, उस ज्वाइन बटन को दबाकर आप अलग अलग बैच है जहां पर आप किसी भी एक बैच को लेकर आप मेंबरशिप का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जहां मैं आपसे 1-to-1 इंटरेक्शन करूंगा। और इसके अलावा मैं आपको PDF नोट्स सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी के रूप में आप तक पहुंचाता रहूंगा, जो भी करंट अपडेट होगा वो आपको बताता रहूंगा। और जब तक आपका फाइनेंस सिलेक्शन नहीं हो जाएगा तब तक मैं आपके साथ रहूंगा, जहां पर हर तरीके से आपका सपोर्ट करूंगा और आपको जो भी जरूरत होगी स्टडी मटेरियल से लेकर मोटिवेशन तक वो सब कुछ आपको दूंगा। दोस्तों इस वीडियो को फिलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।